आनंद शंकर तमिल फिल्म इंडस्ट्री का काफ़ी यंग टैलेंटेड डायरेक्टर है। उन्होंने अपने कैरियर में काफ़ी कम फिल्में डायरेक्ट किया है, पर सारी फिल्में रहा काफ़ी डिसेंट। तो साथ में ऐसे ही डायरेक्टर आनंद शंकर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ, और वीडियो शुरू तक ज़रूर देखिएगा और एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। आरिमा नम्बी, ये 2014 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर विक्रम प्रभु, प्रिया नाथ लीड रोल में नजर है। इसमें अनामिका और अर्जुन डेट पे जाने के बाद अनामिका मिस्टीरियसली खो जाते हैं और बाद में कहानी में कैसे टर्न आते हैं वह इसमें दिखाई है। और इस फिल्म को ओपनिंग डे से ही काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था और ये फिल्म 100 डेज तक थिएटर पर काफ़ी सक्सेसफुली रन करके बॉक्स ऑफिस पर रहा ब्लॉकबस्टर। नंबर टू, इरुमुगन, ये 2016 का साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। टेररिस्ट को ड्रग सप्लाई करते हैं और उसके अगेंस्ट में रॉ एजेंट का फाइटिंग को दिखाई है और ये फिल्म ऑडियंस को काफ़ी इम्प्रेस किया है, जहाँ पर बजट था 65 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन रहा 185 करोड़ और ये फिल्म रहा सुपरहिट। नंबर थ्री, नोट अप, ये 2018 का पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर इस फिल्म को तमिल और तेलुगु दोनों भाषाओं में की गई है रिलीज। इसमें रावड़ी हीरो विजय देवराकोंडा और मेहरीन पीरजादा लीड रोल में नजर है। इसमें सुब्रमण्यम का कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं रहने के बावजूद भी वो कैसे अपने बाप को बचाने के लिए पॉलिटिक्स में घुस जाते वह इसमें दिखाई है और इस फिल्म को मिला है मिक्स्ड रिव्यू और ये फिल्म रहा बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप। नंबर फोर, एनिमी, ये 2021 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर विशाल और आर्या दोनों को लीड रोल में नजर है और इसमें दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है और इस फिल्म को मिले हैं पॉजिटिव रिव्यू, जहाँ पर इसका एक्टर एक्ट्रेस का परफॉर्मेंस, एक्शन सीक्वेंस और बीजीएम को मिला है काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इसका आईएमडीबी रेटिंग भी काफ़ी अच्छे है 8.4 out of 10। और अभी तक की टोटल 4 डेज का कलेक्शन की बात करूँ तो तमिलनाडु से ये फिल्म 12 करोड़ का कलेक्शन किया है, वर्ल्ड वाइड से 24 करोड़ का क्रॉस कलेक्शन किया है और एनिमी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए लगभग 30 करोड़ का क्रॉस कलेक्शन उठाना पड़ेगा, जहाँ पर इतना पॉजिटिव रिव्यू मिलने के बावजूद भी कलेक्शन उतना हाई नहीं रहा, क्योंकि जहाँ पर दिवाली के मौके पर यह फिल्म थलाइव रजनीकांत का अन्नाथे के साथ क्लैश होकर रिलीज हुआ है और थलाइवर का फिल्म की वजह से एनिमी का कलेक्शन हो रही है इफेक्टेड। तो सबको क्या लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर एनिमी फिल्म हिट होगा, सुपर हिट होगा या फिर होगा फ्लॉप, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, ये रहा डायरेक्टर आनंद शंकर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ऐसे फिल्मों से कौन से आपका फेवरेट है कमेंट करके बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी करिएगा। और इसके बॉलीवुड साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।